हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर बीकॉम के सब्जेक्ट्स हमें बता दीजिए, वी आर न्यू ऑन दिस क्लास और अभी हमने एडमिशन लिया है या लेने वाले हो, और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और अगर हम कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। एक चीज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है सभी नए स्टूडेंट्स के लिए जो किसी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिए। गाइज, आपको पता है कि अपने इस चैनल पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली लाइव क्लास आपको मिल रही हैं। अभी रिसेंट कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है क्लासेस में, अभी भी मैं 2 दिन के लिए बाहर आया हुआ हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ पर, तो जिस कारण से आपकी क्लासेस नहीं है। मेरी टीम भी छुट्टी पर है, आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आज भी शायद ना हो पाएँ, कल से आपकी क्लासेस चलेंगी रेगुलर। सबसे पहली अपडेट मैं आपको दे दूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। कुल मिलाकर किसी भी बीकॉम के ईयर में अगर आप एनुअल एग्ज़ाम्स देते हैं तो 6 सब्जेक्ट्स वहाँ पर होते हैं। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट स्टडीज़ का होता है, जो कि कंपलसरी होता है, एक स्पोर्ट्स का, एक इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो आपका स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम नहीं होगा। साथ में एक होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपका हो सकता है संस्कृति से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स हो, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो आप दे सकते हैं। साथ में 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप साझेदारी पार्टनरशिप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड होता है कम्युनिकेशन, जिसमें आप बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड होता है मैथ्स कहीं पर, और कहीं पर होती है स्टेटिक्स। जैसे मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बिजनेस स्टेटिक्स होती है, अगर मैं बात करूँ अदर यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर मैथ भी होता है। ये है 3 सब्जेक्ट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स होता है, इसके अलावा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, और इसके अलावा लॉ होता है, जिसे आप बिजनेस लॉ कह सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। हर एक ईयर में बीकॉम के 2 सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल के, 4 सब्जेक्ट्स थ्योरी के होते हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके सेमेस्टर वाइज है, तो आपका इन्हीं का ही डिवीज़न कर दिया जाता है, हाफ सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में, हाफ सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में, ये तरीका रहता है। अब आते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। हाँ, अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम चुने तो वही मैं बता रहा हूँ, संस्कृति के बारे में होगा या इन्वायरमेंट के बारे में होगा, आप उसे ज़रूर से तैयारी करें, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। टोटल रिजल्ट जो है वो 700 से बनता है, यानी कि 7 एग्ज़ाम्स के मार्क्स जुड़ते हैं, बाकी में ग्रेड मिलता है। सेकंड ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी 2 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी होती हैं, और एक ऑप्शनल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जो लैंग्वेज का होता है हर यूनिवर्सिटी में, वो चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो मैं उसमें सजेस्ट करूँगा कि आप संस्कृत ही लें। संस्कृत में क्या बेनिफिट है, संस्कृत में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, कम पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश ले लेते हैं, उन्हें वहाँ प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट चुनते वक्त संस्कृत ही लें। सेकंड ईयर की अगर बात करें तो उसमें कॉस्ट अकाउंट और इनकम टैक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं। कहीं पर कॉस्ट अकाउंट के साथ मैथ होता है, कहीं पर कंपनी अकाउंट होता है। तो बेसिक 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं जो या तो बीकॉम सेकंड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे। फिर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कॉस्ट अकाउंट और इनकम टैक्स सेकंड ईयर में होता है। इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप और कंपनी लॉ, और इसके अलावा आपका जो फंडामेंटल्स होते हैं और आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक यहाँ पर रहते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप हैं तो उसमें कॉरपोरेट अकाउंटिंग होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है जो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, और उसके अलावा आपका कंपनी लॉ के बारे में और चीज़ें होती हैं, और फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है, और 1-2 सब्जेक्ट थ्योरी के और होते हैं। तो कुल मिलाकर बेसिक जो नॉलेज है वो यही है कि 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, 4 थ्योरी के सब्जेक्ट्स। अब अगर आपको अभी से ही मार्क्स लाने हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि लेटेस्ट क्लासेस आपको मिल रही हैं। 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में बच्चे साल भर फोकस करते हैं लेकिन थ्योरी को नहीं देखते, जबकि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करके चले, डेफिनेटली आपके मार्क्स बन जाएंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए थी, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। थैंक यू। बाकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, और फिर एक और सब्जेक्ट जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होता है या स्पोर्ट्स का होता है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में सब्जेक्टिव आते हैं।